छह बजे का समय हो रहा है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के दौरे का दूसरा दिन आज, और आज वो 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत करेंगे। 3 दिनों के समिट के लिए पीएम मोदी कल ही गुजरात पहुंच गए थे। कल उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो भी किया था और आज वो समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर से कई बड़े बड़े उद्योगपति, जाने माने नेता सब पहुंचे हुए हैं। आज समिट की शुरुआत से पहले महात्मा मंदिर में अतिथियों के साथ एक फोटो सेशन होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री 10वें गुजरात समिट की शुरुआत करेंगे। गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज, दुनिया भर में जो मेहमान है, जो दिग्गज है, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। उद्योगपति भी तमाम इस समिट का हिस्सा होंगे, 10वें गुजरात समिट का, और पीएम मोदी इस समिट की शुरुआत करेंगे। 10वां वाइब्रेंट गुजरात, उसकी शुरुआत आज होगी। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कई बड़े उद्योगपति दुनिया भर से पहुंचे हुए हैं, जाने माने नेता पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं लोगों को, आज फोटो सेशन होगा, शुरुआत होगी पहले सबसे महात्मा मंदिर में अतिथियों के साथ फोटो सेशन से। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें गुजरात समिट की शुरुआत करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में आज शिंदे गुट के विधायकों की योग्यता पर विधानसभा स्पीकर फैसला लेने वाले हैं। इस फैसले से पहले देर रात सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर अहम बैठक को बुलवाया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अजीत पवार भी शामिल हुए और शिवसेना विधायक की अयोग्यता के नतीजे आने के कुछ ही घंटे के पहले। इस बैठक के कई मायने बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि पिछले साल जून में ये पूरी सियासी उठा पठक शुरू हुई थी और एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायकों के साथ पहले गुजरात और बाद में असम चले गए थे।